बस्ती वाले बिरादरान मिल्लत इस्लाम एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाएं कि आज रमज़ान का चांद नज़र आ चुका है, आज ईशा के बाद तरावी है और आज पहली सहरी और पहला रोज़ा कल से शुरू हो रहा है। तो सभी लोग कल रोज़ा रखें और रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़े रखकर इबादत कर अल्लाह को राज़ी करें। ओ कल तो पहला रोज़ा है, मैं तो रोज़ा रखूँगा। और मैं भी रखूँगा। और सुबान तुम रखोगे? मैं तो छोटा हूँ, मैं रहने देंगी तो रखूँगा। नावेद भाई कल पहला रोज़ा है, क्या आप रखोगे? क्या भाई तुम? अरे मुझे बहुत भूख लगती है, मैं नहीं रख पाऊँगा। नहीं नहीं कल रखना पड़ेगा, मैं तुमको उठाने आऊँगा। चलो देखते हैं। अरे सहरी का टाइम हो गया, चलो सहरी करते हैं। पहले कैफ को फोन कर दूं, उसे उठा दूं। हेलो, उठ जाओ कैफ, सहरी का टाइम हो गया है। ठीक है, चलो कैफ को तो कर दिया, खुर्शीद को भी कर दूं, उसे भी उठा दूं। अरे ये तो फोन ही नहीं उठा रहा था, चलो दोबारा लगा के देखता हूँ। कल इतना कह ये तो फोन ही नहीं उठा रहा है, चलो दोबारा ट्राई करता हूँ। कैफ का फोन सहरी के लिए कर रहा होगा। लगता है ये फोन नहीं उठाएगा, चलो मैं अपनी सहरी कर लेता हूँ। अब्बा मैं भी रोजा रखूंगा। अभी तो छोटे बच्चे हो, माना मन के सच्चे हो, माँ की आंख के तारे हो, बाबा के दुलारे हो। नहीं नहीं मैं रोजा रखूंगा। रोजा अब के साल रखना, मान लो बेटा बात हमारी, धूम धाम से लाले हमारे, रोज अपतारी होगी तुम्हारी। लगता है अबू आज मुझे सहरी में उठाएंगे नहीं, मैं आज सोऊंगा ही नहीं, मुझे रोजा रखना है। सहरी का टाइम हो गया है, बच्चों को भी उठा देता हूँ। उठ जाओ जुबैर, उठो आरजू, सहरी का टाइम हुआ है, चुपके से सुभान को मत उठाना, वो भी छोटा है। नहीं नहीं अब्बू मैं भी उठ चुका हूँ, मुझे भी रोजा रखना है। दिने बड़ा और तुम हो छोटे, मान भी जाओ ना मेरे बेटे, भूख लगेगी प्यास लगेगी, सारा दिन कुछ खा नहीं सकते। ठीक है बेटा रख लेना, बच्चों का आधा रोजा है, दिन में खाना खा लेना। लेकिन सुहान तुम्हारा एक दाल का रोजा रहेगा, एक दाल से खा लेना।
देखिए उतना सब रमजानों में चीज खा रहा है। अच्छा भाई चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम हजरत जी। और छोटू भाई रोजा रखा है ना आपने? एक तो खुर्शीद भाई आपने रोजा नहीं रखा है, दूसरी चीज आप रोजेदार के सामने नमकीन खा रहे हैं, ये अल्लाह के सामने बहुत ही नापसंदीदा अमल है। पहली बात तो ये रमजान के फर्ज रोजे हैं, आपको ये रोजे रखना वाजिब है, फर्ज है आप पर, ये रोजे आपको रखने ही रखने हैं। और दूसरा आप ये अमल कर रहे हैं कि रोजेदार के सामने नमकीन चीज वगैरह खा रहे हैं, ये अल्लाह के सामने बिल्कुल नापसंदीदा अमल है। ऐसा करने से आप आगे से परहेज रखें और कल आप इंशाल्लाह रोजा रखें। आओ छोटू भाई इधर आओ, इधर बैठो। ईशान भाई आज आपने रोजा रखा है क्या? नहीं। कैसा इंसान है यार, रमजान के महीने में रोजा नहीं रख रहा। रमजान में आपने रोजा नहीं रखा, बोलो मुसलमान होकर रोजा नहीं रख रहा यार। जो रोजा नहीं रखते वो अच्छे नहीं होते, उन्हें रब ना बख्शेगा जो रब से नहीं डरते। अच्छा भाई मुझे काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। और सब लोगों ने रोजा रखा है ना आज? हजरत हजरत मैंने नहीं रखा। बताओ हजरत रमजान के महीने में रोजा नहीं रख रहा? तुमने तो रखा है ना? जी इंशाल्लाह। खुर्शीद भाई आपने रोजा रखा है, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। लेकिन अगर किसी ने रोजा नहीं रखा है तो आप उसको बार बार ये एहसास ना दिलाए, उसको जलील ना करें, उसको आप बिल्कुल भी जलील नहीं कर सकते। क्या पता अल्लाह के सामने किसका क्या मर्तबा है, अल्लाह को उसकी क्या बात पसंद आ जाए, और इस बात की हम क्या गारंटी कर सकते हैं आपका हमारा रोज़ा कबूल है अल्लाह की नज़र में। तो हम रोज़ा रखें अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से किसी को जलील ना करें। रोज़ा पूरे जिस्म का होता है, कान का रोज़ा, आँख का रोज़ा। रोज़े में हम कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे रोज़ा मकरूह हो जाए। हमें अल्लाह की इबादत ज़्यादा करनी चाहिए, किसी को जलील नहीं करना चाहिए, किसी की गीबत नहीं करनी चाहिए। खुर्शीद भाई हमने रोज़ा अल्लाह के लिए रखा है, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं रखा है रोज़ा। किसी ने नहीं रखा है तो उसको ज़्यादा जलील ना करें, खुद दुनिया के सामने इस बात का बार बार एहसास ना दिलाएं कि मैंने रोज़ा रखा है, मैंने रोज़ा रखा है। ये सब अल्लाह के सामने बहुत ही नापसंदीदा अमल है। ठीक है खुर्शीद भाई, आगे इंशाल्लाह आप ऐसा नहीं करेंगे। खुर्शीद भाई आप फजर की नमाज में क्यों नहीं आए थे? हजरत हम सहरी करके सो गए थे। बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि रोज़ा तो सहरी कर लेते हैं, रोज़ा रख लेते हैं, लेकिन फजर की नमाज नहीं पढ़ते हैं, सो जाते हैं। ये बहुत ही गलत अमल है। नमाज छोड़ना वैसे भी गुनाह है, और रोज़ा रख कर गुनाह करना ये तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, सहरी करके आप फजर की नमाज़ पढ़ें, कोशिश करें उसके बाद भी ना सोएं, लेकिन थोड़ी बहुत देर सो लें तो उससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन कोशिश करें उसके बाद भी ना सोएं। नमाज आपको बिल्कुल कभी भी नहीं छोड़नी है। ठीक है, अब आगे से इंशाल्लाह आप ऐसा ना करें। और सर टाइम हो रहा है जोहर की नमाज का। और तंजीब भाई आप रोजे वगैरह नहीं रख रहे हैं क्या? नहीं अजीत भाई, मेरे गैसेस बनती है बहुत ज्यादा, इसीलिए मैंने नहीं। तंजीब भाई आप इन छोटी मोटी बीमारियों के वजह से आप रोज़ा नहीं छोड़ सकते। अल्लाह रब्बुल जलाल ने इन रोज़ों में इतनी फजीलत और बरकत रखी है कि ये बीमारियां अगर आप रोज़ा रखेंगे तो आप सेहतमंद हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप रोज़े रखने से बीमार हो जाएंगे, बल्कि अगर आप ये रोज़े रखेंगे तो आप सेहतमंद हो जाएंगे इंशाल्लाह। कल से आप पूरे रोज़े रखेंगे। जो रोजा रखते हैं चलो उनके लिए दुआ मांगते हैं। जो रोजा रखते हैं उन्हें ताकत दे मौला, जो रोजा रखते हैं उन्हें सेहत दे मौला।
हजरत आपने बिल्कुल सही कहा था, जब से मैंने रोजे रखे हुए हैं तब से मेरी सारी तकलीफें दूर हो चुकी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आजा भाई आजा। क्या हाल चाल है? ठीक हूँ। भोजन चल रहे? नहीं अच्छा तो बैठो। हाँ भाई मैंने सुना, मैं इसलिए और आया हूँ कि तुम लोग नमाज जब खड़ी होती है तो तुम लोग जो है ना बदतमीजी करते हो, पीछे आपस में खूब लात घूसा करते हो, मैं इसीलिए आया हूँ आज। अच्छा ऐसी बात नहीं है? नहीं थोड़ी बहुत तो होगी जरूर। अब मत करना कोई भी इस बात को, ठीक है? अच्छा आज जो है अफ्तारी में साथ में खोलना और रोजे में साथ में बैठ के सब लोग, ठीक है? कोई है बाजी नहीं करेगा, कोई हंस रहा कोई पलट लेके उधर भाग रहा है, और उस्ताद की इज्जत करा करो, अपने से बड़े की भी इज्जत करा करो, ठीक है? हाँ और आपस में जो ना सलाम दुआ करो, ये नहीं कि हम बड़े तो तुमको सलाम करें, कोई भी किसी को करे कोई दिक्कत नहीं, और सलाम पूरा करा करो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, इससे नेकियां बढ़ जाती, ठीक है? अच्छा अजीम भाई हम चल रहे हैं, नमाज का टाइम हो रहा है, ठीक है? तुम लोग बदतमीजी मत करना कोई भी। अस्सलाम खड़े होके अस्सलाम। अच्छा ठीक है। हाँ अल्लाह रब्बुल जलाल हम तमाम मुस्लिमीन को पूरे रोज़े रखने की ताकत व तौफीक अता फरमाए और हम सबको नमाज पंजगाना व जमात अदा कर हर गुनाह से बचने की ताकत व तौफीक अता फरमाए। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, तमाम परेशानियों और बीमारियों से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन।